टेस्ट ऑपरेशन के अंदर में जो VRV4 है उसके अंदर में हमारे को जो डिस्प्ले मिलेगा ना मास्टर यूनिट का, हमको ये सारी सेटिंग सिर्फ मास्टर यूनिट के अंदर में करनी है, बाकी स्लेव 1-2 के अंदर में हमको कोई सेटिंग नहीं करना है जब भी हम टेस्ट ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे जब हम सेटिंग करते हैं तो हमको क्या करना होता है, जब भी हम सिस्टम की पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन करने के बाद में जो डिस्प्ले का जो ये आपको सामने नजर आ रहा है डिस्प्ले, इस डिस्प्ले के अंदर में आपको ये ब्लिंकिंग करते हुए नजर आएगा। यहाँ पे आपको जो आप सेटिंग स्टार्ट करनी रहेगी कि किस तरीके से आप सिस्टम के अंदर में डिस्प्ले के अंदर में आपको सेटिंग करना, तो ये स्टेप है। जब आप पावर सप्लाई स्टार्ट करोगे वो 6 घंटे पहले करोगे ताकि प्री हीट हो जाए हमारा सिस्टम वगैरह। जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर में जो ये जो डिस्प्ले की लाइट है इसमें 00 आएगा, इसके अंदर में ये आपको कितनी देर आ सकता है, 2 मिनट भी आ सकता है, 3 मिनट भी आ सकता है, 5 मिनट भी आ सकता है। तो यहाँ पे जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो उसके बाद के अंदर में आपके डिस्प्ले पे ये लाइट आता है जो लगभग 2 मिनट तक रह सकता है। उसके बाद में अगला जो स्टेप है वो अगला स्टेप क्या है, BS2, जिसको सेट बटन भी बोलते हैं अपन, ये बीच वाला जिसको बोल कह रहा हूं मैं, ये इसको अपने को 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है ना, 5 सेकंड के लिए सिर्फ होल्ड करके रखना है तो हमारा जो सिस्टम है वो टेस्ट ऑपरेशन के मोड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम 5 सेकंड के लिए इसको रखेंगे उसके बाद डिस्प्ले का जो लाइट है जो 00 सेगमेंट बता रहा था वो चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वो चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम अब टेस्ट ऑपरेशन में चला गया है। अब ये टेस्ट ऑपरेशन में जाने के बाद में कितना देर ले सकता है, ये सिस्टम के अंदर में 30 मिनट भी ले सकता है या फिर ये 1 घंटा भी ले सकता है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि कितना देर लेगा, इससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा टेस्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद के अंदर में हमारा जो नॉर्मल मोड है BS1, जब हम नॉर्मल मोड में आएंगे तो BS1 से हमारा सिस्टम नॉर्मल मोड के अंदर में आ जाएगा। इसके अंदर में यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ सर। तो ये ही इतना ही बस, ये प्रोसेस है टेस्ट ऑपरेशन का, इसके अंदर तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर। अब समझ में आ गया ना, कर सकते हो आप टेस्ट ऑपरेशन, मशीन स्टार्ट कर सकते हो आप नया कोई भी सिस्टम हो। यानी सर 5 सेकंड्स को होल्ड करके रखेंगे, इसका मतलब तो इन्हें ये एटोमेटिक टेस्ट ऑपरेशन चलेगा, एटोमेटिक चलेगा ये। हाँ सर, मेरी बात सुनो, सिर्फ नए सिस्टम पे ऐसा होता है। आप ऐसा नहीं है कि पुराना सिस्टम है, 5 साल पुराना, वहां जाके BS2 को पुश करके देख रहे हैं टेस्ट ऑपरेशन में चला गया क्या, तो ऐसा नहीं होने वाला है। टेस्ट ऑपरेशन किसी भी सिस्टम पे सिर्फ एक ही बार होता है, मतलब पूरा एड्रेसिंग करने के बाद में ना सर। हाँ, एड्रेसिंग करने के बाद। ओके सर। ठीक है, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके टेस्ट ऑपरेशन को लेके? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ जी सर, इसमें जो एंड्रॉइड यूनिट होती है इसमें किसी एक को मास्टर बनाते हैं, अगर हमें पता करना हो मास्टर यूनिट कौन सी है तो कैसे पता करेंगे? इसमें कोई इंडोर मास्टर यूनिट नहीं होता है, इंडोर कोई मास्टर नहीं होता है। मास्टर सिर्फ थर्मोस्टेट बनाया जाता है जिससे कि हम सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सके इसको, बाकी इंडोर को मास्टर नहीं बनाते, आउटडोर को मास्टर बनाते सर। किसी भी जैसे 10 HP, 20 HP, 30 HP, वैसे 20 HP के अगर 3 आउटडोर है तो एक को हम प्रोग्राम करते हैं, उसके हिसाब से अपन इसके अंदर में कोई भी सिस्टम के अंदर में कोई भी काम करना होता है, कोई सेटिंग करना होता है तो वो सिर्फ मास्टर यूनिट से करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी सर, आपने बताया कि टेस्ट रन को तो हम मेरे को 5 सेकंड दबाने का टेस्ट रन पे वो चल पड़ेगा, उसके बाद फिर आपने बताया BS1 पुश करने के लिए, BS1 फॉर व्हाट सर, नहीं समझ में आया। BS1 तो एक नॉर्मल मोड के लिए होता है, नॉर्मल जैसे अपन किसी भी प्रोग्राम को करते हैं ना, तो BS1 जो है ना वो उसको वापिस
नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए होता है वो, मतलब कि फिर ऐसे उसको नॉर्मल में आएगा तो S1 दबाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, आप तो फिर लास्ट में मतलब टेस्ट रन का सुनो, आप मान लो आपको पता नहीं है कि आपने सिस्टम में क्या सेटिंग कर दिया है, कोई नया पुराना सिस्टम है, मेंटेनेंस के लिए गए कभी आप, आपने कुछ भी दबाया आपको समझ में नहीं आया कि आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस स्थिति में भी अगर आप BS1 को अगर आप रिप्लेस करेंगे ना तो वो वापिस आपको अगर आपकी कोई फंक्शन या तो होगी या नहीं होगी तो भी आपको उस वो नॉर्मल कंडीशन में लाके वापिस दे देगा सिस्टम को। स्टैंड वाइज हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? ठीक है सर। सर ये जो एड्रेसिंग में ही गैस चार्जिंग का हो गया ना, मतलब जो एड्रेसिंग में होता है जो हमको एक्स्ट्रा गैस चार्ज करना है ऑटो गैस चार्जिंग, वो एड्रेसिंग का पार्ट हो गया ना सर? नहीं नहीं, वो एड्रेसिंग का पार्ट नहीं। तो टेस्ट के बाद तो टेस्ट रन पे चलने के बाद ऑटो चार्ज करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब एड्रेसिंग अभी क्या होता है, जैसे मैनुअल जब हम गैस चार्ज करते हैं तो इसमें भी क्या दो तरीके हो जाते हैं हमारे पास में, या तो हम मैनुअल गैस चार्ज कर लें या फिर हम ऑटो गैस चार्ज कर लें। तो अब बहुत सारे सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑटो गैस चार्ज का प्रोसेस होता है लेकिन फिर भी मैनुअल गैस चार्ज कर लेते हैं उसमें। तो अब मैनुअल गैस चार्ज हम कब कर सकते हैं, जब हमको ये पता होता है कि सिस्टम में कितना गैस चार्ज होगा, जब हमको ये पता होता है सिस्टम में कितना एडिशनल गैस चार्ज होगा तब हम उस पे एडिशनल गैस चार्ज कर सकते हैं मैनुअली। बाकी अगर हमको ऑटो गैस चार्ज प्रोसेस करना हो तो ऑटो गैस चार्ज का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर में हमको मास्टर यूनिट के अंदर में फंक्शनिंग करना होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जब भी अगर हम, वैसे तो मैं इसको एक बार वापस में ये सोच भी रहा था कि एक बार मैं ऑटो गैस चार्ज वाला जो प्रोसेस है ना, मैं आप लोगों को एक बार वापस क्लियर करा देता एक बार, तभी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मेरी बात सुनो, आप किसी सिस्टम को जब तक चालू स्थिति के अंदर में नहीं लाओगे, ऑन वर्किंग में नहीं लाओगे तब तक वो ऑपरेशन कैसे करेगा? एक बात मैं इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से पूछता हूँ, न्यू सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम में गैस चार्ज के लिए जब अपन वाल खोलते हैं, अपना चार्जिंग वाल खोलते हैं अपन, है ना, एक अपना सेक्शन एक डिस्चार्ज में लगा हुआ रहता है, सिलेंडर के साथ में अपन कनेक्ट करते हैं सेक्शन डिस्चार्ज और गैस मीटर को, तो जो लाइन खोलते हैं वो कौन सी वाली लाइन खोलते हैं पहले? लिक्विड लाइन। क्यों? सक्शन लाइन। नहीं, पहले लिक्विड लाइन खोलना है। आपने दोनों लाइन खोल दिया, सेक्शन भी खोल दिया, डिस्चार्ज भी खोल दिया, अब आपको गैस चार्ज कर रहे हो आप, वीआरवी वीआरवी की बात कर रहा हूँ, गैस चार्ज आप जब कर रहे हो न्यू सिस्टम के अंदर में, एडिशनल गैस चार्ज कर रहे हो आप, तो एडिशनल गैस चार्ज करने के टाइम में जो आपके पास में एक तरफ तो होता है, एक तरफ तो होता है आपके पास में लो प्रेशर, एक तरफ होता है आपके पास हाई प्रेशर, दोनों लाइन जा रही है सारे इंडोर यूनिट तक में, ठीक है, और आप गैस चार्ज कर रहे हो, तो अधिकतर हम क्या करते हैं कि जो सेक्शन वाला रहता है उसको खोलते हैं ताकि वो सक करे और सिस्टम के अंदर में गैस जाए, लेकिन वीआरवी वीआरएफ में क्या हम ऐसा करते हैं या फिर डिस्चार्ज लाइन को खोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैस चार्ज करने के टाइम पे, इसलिए मैं आपसे डिस्चार्ज लाइन खोलते हैं सर। डिस्चार्ज खोलेंगे सर। डिस्चार्ज खोलते हैं, क्यों सर? डिस्चार्ज कैसे खोलेंगे सर? सेक्शन खोलेंगे ना, डिस्चार्ज खोलेंगे सर, वो रीबैग मारेगा तो कॉम्प्रेसर प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्चार्ज से कभी गैस निकल जाती है। डालने का नहीं बात हो रहा है यहाँ पे, खोलने का बात हो रहा है। अरे जैसे खोलने के बाद सर डिस्चार्ज बराबर खुलता है सर, डिस्चार्ज ही खोलने मांगता है ना, तो फिर वो सर ऑयल सेक्शन खोलेंगे ना तो ऑयल मारेगा सर वो। असलम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का उत्तर, असलम भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ सर हम दोनों वाल खोलते हैं, दोनों तरफ से जाने दे दो आप, सेक्शन डिस्चार्ज तो दोनों तरफ से जाने दे दो, है ना सर? आपने पहले पूछा कौन सा बल्ब खुलेगा पहले, पहले कौन सा बल्ब का पूछा आपने कि कौन सा बल्ब पहले खुला जाएगा? नहीं, वाल तो कह रहा हूं मैंने, बोल दिया डिस्चार्ज लाइन को, बोल दिया वो, मैं क्या कह रहा हूं जब गैस चार्ज चार्जिंग करने बोल दिया,
वाल अगर ने बोल दिया सेक्शन डिस्चार्ज दोनों बोल दिए, अब जो वाल है ये भी तो एक वाल ही है ना, अगर हम फोन गेज का अगर अपन खोल रहे हैं ये भी एक वाल ही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वो तो खोल दिया अपन सिस्टम में, ऑपरेशन में गैस आ गई, सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब जब हम सिलेंडर से जो लिक्विड गैस है उसको सिस्टम पे डालना है, वो उस टाइम पे हम जो गैस का जो फ्लो है वो ज्यादा सेक्शन का बोलेंगे या डिस्चार्ज का बोलेंगे? सेक्शन मेरे हिसाब से सेक्शन में खुलेगा, डिस्चार्ज भी खुलेगा। सेक्शन पहले खुलेगा, डिस्चार्ज बाद में खुलेगा, ज्यादा डिस्चार्ज ही खोलना पड़ेगा हमको। बिल्कुल, हमको ज्यादा यहाँ पे सेक्शन नहीं खोल के सेक्शन को भी खोलना है। 50 सेक्शन खोल रखा है ना, तो इसके अंदर में लगभग 70% 75% से भी ज्यादा हमको डिस्चार्ज लाइन खोलना है। डिस्चार्ज से क्या होगा इससे बताता हूँ मैं। डिस्चार्ज का जो प्रेशर है ना वो कंप्रेसर में नहीं जा रहा है, वो सिस्टम के अंदर में सक करने में कंप्रेसर पे लोड नहीं दे रहा, वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होके सारे इंडोर में जाके वापस कंप्रेसर तक आएगा ना, तब तक कंप्रेसर को कंप्रेस करने का जो है ना टाइम मिलेगा। डायरेक्टली लिक्विड कंप्रेसर को देंगे ना तो वो जो लोड जा रहा है आपके पास का रेफ्रिजरेंट का गैस का जो सक कर रहा है बहुत अधिक मात्रा के अंदर में, क्योंकि आप में आपके कंप्रेसर में डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेंट गैस को सर करने का डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये जब हम डिस्चार्ज से पूरे सिस्टम में इसको सर्कल करवाते हैं, पूरा घुमाते हैं इसमें, तो पूरा जो लाइन है डिस्चार्ज से होता हुआ सारी इंडोर्स में जाता है और सक्शन के माध्यम से वापस ये कंप्रेसर में आता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर फिर जो अपनी जो मूवमेंट है उसकी कंप्रेशन की जो मूवमेंट है उसके अंदर में वो एकदम हाई प्रेशर में नहीं आता है सिस्टम, इसलिए ऑलमोस्ट हम जो है लिक्विड लाइन का जो हमारा जो डिस्चार्ज लाइन है उसके वाल को हम ज्यादा 75% ज्यादा खोलते हैं और सेक्शन को भी खोलते हैं, लेकिन इतना नहीं खोलते जितना कि हम डिस्चार्ज लाइन से जितना हो सकता है लाइन के अंदर में गैस जाए। जी सर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है न्यू सिस्टम पे। पुराना सिस्टम पे तो उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी जो लाइन है ना आपकी उस लाइन के अंदर में पहले से गैस मौजूद रहेगी, छोटा मोटा काम करना रहेगा आपको टॉपअप का तो चलेगा, लेकिन न्यू सिस्टम में पूरा पाइप खाली होता है, वहां पे आप डायरेक्टली सेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट कंप्रेसर को दे रहे हो, तो कंप्रेसर कंप्रेस भी करना है उसे और बाकी डिस्चार्ज फेंकना भी उसे, तो उस पर लोड रहेगा, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली उसको लाइन में जाने दोगे। आप मेरे बात ध्यान रखना है सर। हाँ, नए सिस्टम को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसकी गैस खोलने के लिए जो अपने करते हैं ना, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, वैक्यूम करके जब गैस खोलेंगे तो उसको आधा घंटा तो कम से कम 40 मिनट तो स्टैंड में रहने देते हैं मशीन को ताकि गैस सब तरफ, हाँ 30 से 40 मिनट छोड़ देंगे उस मशीन को। बिल्कुल, हाँ प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ना। लेकिन ऐसा मैं सिर्फ किसके लिए कह रहा हूँ, मैनुअल गैस चार्ज के लिए, मैं ऑटो गैस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑटो गैस चार्ज में तो वो ऑटोमेटिक सेट करेगा। अभी ऑटो चार्ज की तो बात ही नहीं की है आपने। हाँ, ये सिर्फ मैनुअल गैस चार्ज के लिए है। मैनुअल गैस चार्ज में हमने को बस इन चीजों का ध्यान रखना है और रिन्यू होने के बाद, हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम के अंदर में। बाकी के जितने भी जो सेटिंग्स वगैरह है जैसे इंडोर वगैरह कितने हैं, आउटडोर वगैरह कितने हैं, या हमारा जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल, जब हम मान लो अगर हमारे सिस्टम पे 50 आउटडोर यूनिट है, हमारे आउटडोर 50 आउटडोर यूनिट है, तो वहां पे अगर हमको सेंट्रलाइज अगर हमको करना है कि हमारे किसी भी यूनिट के अंदर में कोई भी दिक्कत हो आउटडोर यूनिट के अंदर में, तो हमको पता चले उन चीजों के बारे में हमको कौन से आउटडोर के अंदर में दिक्कत है। तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा असलम जी आउटडोर यूनिट के अंदर में जैसे आप P1, P2 तो देखते हो, साथ में Q1, Q2 भी देखा होगा आपने VR4 में, उसके साथ में एक P1, P2 भी देखा होगा आपने जी, है ना। तो ये क्या करता है, जो P1, P2 हमारे थर्मोस्टेट के लिए रहते हैं, जो आउटडोर यूनिट के अंदर में T1, T2 रहता है, आउटडोर यूनिट के अंदर में देखा होगा आपने T1, T2। तो P1, P2 या T1, T2 ये दोनों में से एक ही आपको चीज मिलेगी। तो ये सेंट्रल यूनिट को कनेक्ट करने के लिए, सारे आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए अपन करते हैं, और जो मास्टर यूनिट रहता है, जो मास्टर थर्मोस्टेट रहता है,
जब हम उससे पता करते हैं कि सिस्टम के साथ में, वैसे तो हमको एड्रेसिंग हमारे आउटडोर से पता चल जाता है कि इसके साथ में कितने इंडोर कितने आउटडोर यूनिट है, लेकिन सेंट्रलाइज टेस्ट रन में डाल टेस्ट रन में डालने का बेनिफिट ये है कि उससे ये पता लग जाता है कौन सी इंडोर यूनिट काम नहीं कर रही है। हाँ, वो एक्सेप्ट कर लेता है मशीनों को, जितनी मशीनें वर्किंग में होती हैं और जिनमें दिक्कत होती है उसको छोड़ देता है वो टेस्ट रन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, अगर जल्दी फॉल्ट क्लियर करना है किसी मशीन का तो टेस्ट रन में डालने से उतनी मशीनों को एक्सेप्ट कर लेगा वो जो रन होंगी, बाकी इंडोरों को छोड़ देगा, उससे भी एक जल्दी पता लग जाता है। ये भी एक तरीका है फॉल्ट ढूंढने का टेस्ट रन पे। लेकिन ये टेस्ट मोड खाली ओनली फॉर जब न्यू केसेस इंस्टॉल होगा तभी कर सकते हैं ना? नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने डाइकन 120 HP है, पता नहीं 140 HP है, अभी कुछ टाइम पहले ठीक किया था, और मास्टर रिमोट जो अभी दिखा रहे थे सर वो ठीक है, सारी इंडोरों पर होते हैं, बट एक मास्टर रिमोट से भी हम पूरी सारे यूनिटों के बारे में पता लगा सकते हैं कौन सी यूनिट कितना काम कर रही है कितना नहीं कर रही है, तो क्या उसको देना है टेम्परेचर। हाँ, एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट का जो मास्टर है वो अलग से भी आता है, और वो मास्टर के मास्टर आउटडोर यूनिट में से भी यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। हेलो हेलो, सर आपने बताया T1 T2 सेंट्रलाइज के लिए यूज करते हैं, तो क्या सेंट्रलाइज का अलग आएगा, कमर्शियल जो है वो उसका अलग आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल सही। जैसे कैसेट एसी जो है, मान लीजिए एक फ्लोर पे जो ऐसे हमने चार कैसेट डाला, दूसरे फ्लोर पे मैंने डक टेबल सेंट्रल एसी डाला, तो उस दोनों का क्या T1 T2 का उसका अलग आएगा, Q1 Q2 का अलग आएगा, इस तरीके का है क्या कम्युनिकेशन वायर? जैसे अपने कम्युनिकेशन वायर जोड़ते है ना, ऐसी उसमें आउटडोर में जिस जगह पे जोड़ेंगे तो एक पॉइंट ओवर होगा, तो वहां से दो तारे मास्टर रिमोट के लिए चली जाएंगी, वो मास्टर रिमोट हम कहीं भी लगा सकते हैं, सर्वर रूम में लगा सकते हैं या मेन ऑफिस में लगा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा क्या सवाल है कि जैसे कि एक फ्लोर पे मैंने पूरे में कैसेट डाला, एक फ्लोर पे मैंने सेंट्रल डाला, बराबर, तो कम्युनिकेशन केबल जो हमारा आएगा तो सेंट्रल का अलग आएगा और कैसेट का अलग आएगा? नहीं, एक ही लोग घूमेगा, एक ही सर जो आप बता रहे हैं कि अभी सेटिंग करेंगे वो सेंट्रल के लिए, तो कैसे सेट करेंगे सर? नहीं, कम्युनिकेशन आप तो कम्युनिकेशन की वायरिंग की बात कर रहे हैं ना, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन वायरिंग तो जितने भी जो इंडोर है ना उसमें चलेगा, लूप सबके अंदर में जाएगा वो, और एंड ऑफ द मास्टर यूनिट आएगा, लेकिन जो बात कर रहे हैं सेंट्रल मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर में हम इंडोर को इनबिल्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ आउटडोर होंगे। बिल्कुल, तो आउटडोर से जाएगा वायर से सेंट्रल। हाँ, नहीं समझे सर, एक बार बता दीजिए, सही से बता दीजिए दोबारा सर, एक बार मैं कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या है ना, दो तरीके हैं समझाने के। एक तरीका तो ये हो गया कि एक प्रोजेक्ट पे आपके मान लो एक मास्टर है, दो स्लेव है, अब उसमें 50 इंडोर यूनिट है या 30 इंडोर यूनिट है, अब उनका एक इंडोर यूनिट का सेंट्रल कंट्रोल बन गया, वो तो एक अलग चैप्टर हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे 3 आउटडोर नहीं है, 30 आउटडोर है, समझे लो ना, उस 30 आउटडोर पे सेंट्रल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, वहां आउटडोर के की बात हो रही है, आउटडोर में जो है आपस में जो है सेंट्रल का मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ इंडोर यूनिट को मैनेज करना हो, सिर्फ एक या सेंट्रल टू सेंट्रल इंडोर को भी अपन एक बार सेंट्रल कंट्रोल बना सकते हैं, लेकिन आउटडोर की बात मैं अलग से कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटडोर की जो बात हो रही है वो अलग हो रही है, इंडोर्स की बात हो रही है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे लागू होती है, जहाँ पे उस सिस्टम से एक किसी भी सिस्टम पे 3 आउटडोर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंडोर है उसके लिए आप सभी इंडोर के लिए एक सेंट्रल यूनिट बना, एक सेंट्रल कंट्रोल बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा डीएमएस सिस्टम है, पूरा बिजनेस, पूरा बिल्डिंग कंट्रोल हो रहा है, उसमें हमको क्या करना होता है कि अगर हमारे जो एक कंट्रोल बना दिया हमने, तो जिससे हमारे जितने भी जो है आउटडोर यूनिट उनको सबको एक कर दिया हमने, तो वो सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे सेंट्रल सबको एक साथ किया जाता है। जिस तरीके से आपने बताया था वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि हमने कैसेट भी चूज कर लिया, बहुत तरह का इंडोर आता है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कैंसिल करो मेरी बात सुनो,
कैसेट करो, चाहे स्प्लिट टाइप करो, चाहे वॉल माउंटेड करो, चाहे डक्टेबल करो, चाहे एचयू करो, चाहे एफयू करो, कोई सा यूनिट हो, वो दिखने में कैसा ही हो, शेप में कैसा ही हो, कैपेसिटी में कैसा ही हो, इससे कोई चीज लागू नहीं होती है। यहाँ आपका F1 F2 है, वो एक नंबर से लेके आप 50 नंबर तक, दो चाहे 10 को दो, चाहे 20 को दो, इससे कोई मतलब नहीं कि वो यूनिट अपना कैसे। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप F1 F2 को नंबर 1 से उठा के एंड ऑफ द इंडोर, बीच में कितने प्रकार के इंडोर आ रहे हैं, या डक्टेबल आ रहे हैं, या कैसेट आ रहे हैं, या वॉल माउंटेड आ रहे हैं, स्लिंग टाइप आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अपने को सीधा अपना काम करना, F1 F2 उठा उठा के मास्टर यूनिट तक पहुंचाना है अपने। डेकन वीआरवी की एड्रेसिंग टेस्टिंग बहुत इजी है और मशीनों से बहुत बहुत इजी है। अच्छा सर, इसमें तो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गया है, TMC जिसको बोलते हैं, टच मॉनिटर कंट्रोलर, जो एक जगह हम लोग लगा देते हैं और उसी से सारा कुछ ऑफिस वाले लोग ऑपरेटिंग भी कर लेते हैं, जो थर्ड पार्टी को वही तो मैं आपको बता रहा था मास्टर रिमोट के बारे में, उसका नाम दूसरा कर दिया ना, उसी से अपने सारा पता लगा लेंगे कौन से। जी जी हां, उसी से बता रहा हूं। बात सुनो, आपने पहले टेलीफोन देखा, टेलीफोन जिसपे नंबर डायल करके टेलीफोन आते थे, है ना? हाँ। उस टाइम पे भी टेलीफोन कितने प्रकार के आते थे, कोई डिस्प्ले वाले आते थे, कोई किस डिजाइन के आते थे, वो किस डिजाइन के, काम सबका यही था ना, किसमें क्या फंक्शनिंग एडवांस था, किसमें क्या फंक्शनिंग एडवांस था, या कंट्रोल बहुत प्रकार के होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, स्क्रीन टच भी हो सकते हैं, वॉल माउंटेड भी हो सकते हैं, मतलब जितना पैसा जितना महंगा होगा, जितनी चीजें होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना, जैसी पार्टी होगी वैसा ही है सर, घुमा फिरा के वही सारी चीजें। हाँ, क्योंकि अगर हम एडवांस चीजें चाहेंगे, जितने फंक्शन चाहेंगे वैसे पैसे लगेंगे, उसमें क्या है, वो तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। इसके बारे में अगर सर टाइम होगा तो कभी डिस्कस कर लीजिएगा, पहले अपना लेसन वगैरह पूरा कर लेते हैं उसके बाद। नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए अभी, ताकि आपके माइंड में ना रहे कोई बात, नहीं कोई मेरा नहीं हम सब हैं, ये बराबर है। सब जानते हैं यार, ये सब काम करते हैं, ये इनको पता है, ये ऑलरेडी वीआरवी वीआरएफ का काम करते हैं, इनको पता है सब। इतना बेकार के नाम कर लेते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा जानना चाह रहे थे सर कि मैं सर और एक डाउट था। हाँ हाँ भाई, हाँ अभी आप बोला ना एड्रेसिंग हो गया, अभी हम लोग अभी ये टेस्ट ऑपरेशन करेगा, मास्टर जो मास्टर यूनिट है उसमें करेगा। हाँ। तब तो आउटडोर, दूसरा जो स्लेव यूनिट में हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग जस्ट वायर कनेक्ट करेगा तो बस है। हाँ। या फिर कोई एरर को रिसॉल्व करना है, या फिर कोई भी फंक्शनिंग इन फ्यूचर में आपको करनी है, वो सिर्फ मास्टर यूनिट में होगी, स्लेव यूनिट के अंदर में नहीं होगी, है ना सर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ, जैसे कि मास्टर्स यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हमको स्लैब को मास्टर बनाना है, तो कैसे करेंगे सर? वैसे ही तो मैंने किया भाई, अभी बन चालू हो गया, सर ने बताया था। हाँ भाई, इब्राहिम भाई आप कैसे कैसे? इब्राहिम भाई मुझे तुमसे बात करनी है सर, एक मिनट मत बात करना, इब्राहिम भाई को दिखाना जरा। इब्राहिम भाई सो रहे हैं। इब्राहिम भाई मैं घूम गया हूँ, मैं अपने आप को ढूंढ रहा था हूँ। मुझे ढूंढना। कैसे बताया था सर आपने? एक मिनट मैं बता दूंगा, एक मिनट इनसे जरा मैं बात कर लूं जरा। इब्राहिम भाई दिखाओ तो, दिखाई दो कहां हो? इधर दिखानी है, दांत नहीं दिख रहे मेरे। इब्राहिम भाई कंपास खराब है ना, एक मिनट दिखाना सर इब्राहिम भाई को। आ गया लाइन पे, पहले हंस ले। हां खराब है क्यों? कह रहे थे आप कंपास खराब है। मैंने बोल दिया ना, आप बताओ ना, मैं आपसे कह रहा था ना उस टाइम 1x1 आउटडोर चला लो, क्लियर हो जाएगा किसमें क्या फॉल्ट है। तो 1x1 आउटडोर भी उस दिन चलाया था,
तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्लेब वन का स्लेब टू का बाहर निकाल दिया था ना कंट्रोलिंग वन दोनों, और सिर्फ मास्टर के चालू किया था। मास्टर में मतलब है इन्वर्टर तो पीछे भी सब सप्लाई छोड़ रहा है कंप्रेसर को, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, घूम कर रहा है, बस बंद हो जा रहा है। उसका कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम था, मैकेनिकल प्रॉब्लम था। तो सिब्बा वाले आए थे, तो सिब्बा वाले आए थे, कोटेशन बना के चले गए। फिर मैं बोला भाई मैं चालू करके दे देगा बाद में, तो बोलता ठीक है तू भी ट्राई कर ले। ठीक है, मैं कल ट्राई करूंगा। तो सबसे बात किया था, सब ने आइडिया दिया, चालू कर दिया, 10 मिनट में चालू हो गया। तो मिठाई तो नहीं बांटी ग्रुप में तुमने? हाँ, तो जब इंडिया आएगा तब देगा, इंडिया आने की जरूरत ही नहीं है, उनसे ग्रुप में डाल दो मिठाई। असलम भाई बहुत इजी है यार, ऐसा लग रहा है इसकी मीटिंग भाई, जो मीटिंग खत्म हो जाएगी। असलम भाई भाई दो मीटिंग खत्म हो जाएगी। रिजवान भाई एक मिनट, प्रोसेस बता रिजवान भाई। इमरान भाई सिर्फ 3 मशीनें हाथ से कर ली ना, कुछ भी नहीं है यार, और इतनी स्प्लिट विंडो से बहुत आसान है। सर ने दो आइडिया बता दिया था, दोनों आइडिया मेरे को सक्सेस लगे। एक आइडिया मैंने आपसे तो ग्रुप में बताया था, जब आपने ग्रुप में डाला बताया उसको शेयर करो। अभी अभी करेंगे सर, है ना वो, ये क्या है, प्रोसेस क्लियर करो, प्रोसेस हमें भी बताइए सर। बात है सीक्रेट बात है जो हम पर्सनली करेंगे।